Hello everyone and welcome to ROCFT Institute. I am Gulfam Hussain. Today we are doing a very interesting topic, sound. We are going to know what is sound, how sound is produced, what are the characteristics of sound, the properties of it or is kasasa video, I will talk in Hindi. Mein तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि इंग्लिश नहीं देखेंगे इंग्लिश का वीडियो हिंदी वीडियो ज्यादा अच्छे होते हैं चलो हिंदी में भी वीडियो बना लेते हैं वैसे पहले भी बनाता था अभी बनाने से क्या लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ओके सो वट इज साउंड साउंड हाउ इज बेसिकली प्रोड्यूज नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल दिस इज अ वॉट बॉटल एंड दिस इज अ मार्कर फॉर व्हाइट बोर्ड एंड दे प्रोड्यूस साउंड आई हिट देम नाउ यू नो वट इज साउंड सो बेसिकली साउंड इज प्रोड्यूस्ड when a body is hit with another body or to be more accurate sound is produced when a body vibrates now the definition of sound is sound is basically a form of energy sound is a form of energy or ha apni apne copies or pen nikalo and or radio jo aliknabistarkardu मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता और तुम लोग बस देख के टाइम वेस्ट करते रहो देख रहे हो वीडियो मेक यूज ऑफ इट टेक आउट योर कॉपी एंड पेन स्टार्ट राइटिंग सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है विच विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग डेफिनेशन साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन सेंसेशन ऑफ हियरिंग साउंड हम लोगों को सुनने में हेल्प करता है इमेजिन करो सोच लो कि अगर इस दुनिया में साउंड है ही नहीं तो क्या तुम कोई चीज सुन सकते हो तुम्हें कुछ सुनाई भी नहीं देगा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग नाउ हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड लेकिन साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी हिट एन ऑब्जेक्ट और इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स समझ गए मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जब वाइब्रेशन होता है वी गेट वॉट वी गेट साउंड सो दिस इज हाउ साउंड इज फॉर्म लेकिन मुझे एक चीज बताओ अगर कोई चीज वाइब्रेट नहीं करेगा तो क्या उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा अब तुम लोगों में से ज्यादा लोग सोचोगे कि हाँ भैया कभी कभी देखते हैं हम लोग स्पीकर में स्पीकर तो वाइब्रेट नहीं हो रहा होता तो फिर उससे साउंड कैसे आता है चलो वो भी मान लेते हैं कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज को रब करने से ठीक है जैसे तो अगर स्किन को ही रब करो तो इससे भी साउंड आ रहा है लेकिन तुमको तो कोई वाइब्रेशन नहीं दिख रहा एक्चुअली में वाइब्रेशंस आर देयर वाइब्रेशंस वहां पर है लेकिन दे आर मतलब तुम उन वाइब्रेशन को देख नहीं पा रहे हो क्योंकि इन वाइब्रेशन का या तो एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ वेव बहुत ज़्यादा है या फिर इतना फास्ट है कि तुमको दिख ही नहीं रहा जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ चीज़ें होते है जैसे अगर मैं एक पिन लूँ और पिन को मैंने बहुत ही पतला पिन है मेटल स्ट्रिप ठीक है तो उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा साइड किया और मैंने छोड़ दिया तो वो वाइब्रेट करने लगेगा अगर वो वाइब्रेशन बहुत स्पीड में हो रहा है तो तुमको लगेगा कि वाइब्रेट कर भी नहीं रहा तो तुमको लगेगा कि वाइब्रेशन हो नहीं रहा लेकिन द ट्रूथ इज वाइब्रेशन आर देयर वेन एवर देअर इज वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड लेकिन और एक बात मैंने अभी जो कहा वेन एवर साउंड इज प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन आर देयर लेकिन क्या हमेशा हर वाइब्रेशन में ही साउंड प्रोड्यूस होता है द आंसर इज नो अब यहां पर मैं उस साउंड का बात कर रहा हूं जो हम लोग सुन सकते हैं यानी ट्वेंटी हर्ट से लेकर ट्वेंटी किलो हर्ट्स तक ये हम लोग का ह्यूमन रेंज है सुनने का साउंड का ये ट्वेंटी हर्ड से लेकर ट्वेंटी हर्ड ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स हर्ट तक हम लोग इंसान सुन सकते हैं साउंड इसके ऊपर का जो साउंड है ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स के ऊपर उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं और ट्वेंटी हर्ट्स के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड समझो मेरे पास ये स्ट्रिंग है ठीक है अगर मैं इसको हल्का सा वाइब्रेट कर रहा हूँ ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि साउंड प्रोड्यूस ही करे अगर देख लो अगर इस स्ट्रिंग को मैं ज़ोर से वाइब्रेट करूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन अगर मैं इसको धीरे से वाइब्रेट करूँ तो हो सकता है साउंड प्रोड्यूस ना हो अब चलो हम लोग जानते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो साउंड है वो ट्रैवल कैसे करता है जैसे अगर यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ से लेके वो साउंड मेरे माइक्रोफोन तक कैसे आ रहा है तुम लोग माइक्रोफोन है इसीलिए सुन पा रहे हो इसी से आवाज़ आ रहा है तो यहाँ पर जो साउंड मैंने प्रोड्यूस किया वो माइक्रोफोन तक कहाँ से और कैसे आ रहा है जो हम लोग का हवा है उसमें कुछ पार्टिकल्स है ठीक है एयर पार्टिकल्स या फिर एयर मॉलिक्यूल्स बोल लो ठीक है तो ये है हम लोग के एयर मॉलिक्यूल्स समझो ठीक है और यहाँ पर मैंने समझो यहाँ पर मैंने प्रोड्यूस किया साउंड ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर नेम कर दूंगा सोर्स ऑफ साउंड सोर्स ऑफ इस पॉइंट पे मैंने साउंड प्रोड्यूस किया हो सकता है मैंने इस पेन को हिट किया तो वो ये पॉइंट है अब क्या होगा यहाँ पर जो आस जो आसपास के एयर एयर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स होंगे ठीक है है ये ये सब वाइब्रेशन में आ जाएंगे और भी यहां पर भी ओके सो ना वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पीड ऑफ साउंड सो वट वॉज द फॉर्मूला फॉर स्पीड फॉर्मूला फॉर स्पीड वॉज डिस्टेंस बाय टाइम ठीक यही था फॉर्मूला स्पीड का तो न, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम वैसे साउंड का स्पीड तुम्हारा है थ्री हंड्रेड एंड थर्टी मीटर पर सेकेंड ठीक है मतलब देखो मतलब सम, मतलब समझ लो एक सौ सेंटीमीटर का जो स्केल होता है बड़ा वाला वो एक मीटर होता है तो एक मीटर उतना सा उतना हुआ 330 मीटर ठीक है साउंड ट्रैवल कितना करता है 330 मीटर इन हाउ मेनी सेकेंड्स वन सेकेंड सो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड अब स्पीड कैसे निकलेगा ऑब्वियसली डिस्टेंस बाय टाइम ठीक है अब ये जो डिस्टेंस और टाइम है और एक चीज तुम लोग याद रखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड यानी एस इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यानी डिस्टेंस एंड स्पीड यानी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा ठीक है अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा लेकिन अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा इसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और उसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक चीज एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगा एक क्वांटिटी घट रहा है तो ये भी घटेगा और इन्वर्सली मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो ये घट रहा है समझ रहे हो उल्टा अब देखो स्पीड ठीक है फैक्टर्स that decide the speed of sound. Factors that decide the speed of sound. What are those factors? कुछ कुछ चीजें हैं जिससे sound मतलब ये speed of sound effect होता है वो factors है तुम्हारा एक density, density of medium, ठीक है density of medium. तो अगर कोई medium ज्यादा dense होगा तो speed भी ज़्यादा होगा कम होगा कम होगा सो इफ द डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज़ हाई द स्पीड ऑफ साउंड इज स्लो मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी यानी डी अब डेंसिटी का मतलब जैसे हम लोग वो लिखे थे ना वेवलेंथ फाई इनवर्सली मतलब इक्वल टू दे रहा हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और फाई को लिखा जाता है कुछ इस तरीके से ठीक है ये डेंसिटी का सिंबल है तो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगा चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज सबसे हाईएस्ट है और स्पीड ऑफ साउंड वाटर में बहुत कम है मतलब एयर से कंपेरटिवली कम है क्योंकि पानी हवा से ज़्यादा डेंस होता है चलो अगर कोई मेटल uh, ले लो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा डेंस होते हैं और मैं लिक्विड ले रहा हूँ यानी वाटर चलो तो अगर मैं वाटर से एक पॉइंट से एक पॉइंट तक देख रहा हूँ कि साउंड कितना स्पीड से जा रहा है और वही चीज़ मैं उतना ही डिस्टेंस एक मेटल में देख रहा हूँ तो मुझे मिलेगा कि साउंड इज ट्रैवलिंग मच मोर फास्टर इन वाटर देन इन अ मेटल और एनी अदर डेंस ऑब्जेक्ट क्यों क्योंकि मेटल इज डेंसर देन लिक्विड वाटर ठीक है तो समझ गए डेंसिटी ऑफ अ मीडियम स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एना फैक्टर एंड दैट इज़ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी व्हाट इज़ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी मतलब समझ लो ऐसे मेरे पास ये रबर बैंड है यहाँ पर तो ये जो रबर बैंड है ठीक है ये अच्छा खासा इलास्टिक है मतलब मैं इसको अगर इसका शेप अगर डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ तो डिस्टॉर्ट ईजीली हो जा रहा है लेकिन क्या यही चीज़ मैं इस मार्कर के साथ कर सकता हूँ अगर मैं इसको तो मोड़ने की कोशिश करूँ या फिर कुछ भी करने की कोशिश करूँ ये डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है. इसका शेप जो है वो वही है जबकि ये एक रबर बैंड ज़्यादा इजीली हो जा रहा है डिस्टॉर्ट तो इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी किसी किसी मेटेरियल की इलास्टिसिटी हाई होता है जैसे रबर बैंड इसका इलास्टिसिटी हाई है चलो मेन मुद्दे पे आते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड ठीक है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी बस ये सब चीज याद रखना है, ठीक है ज्यादा फॉर्मूले में बन जाओ तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी मतलब अगर इफ द इलास्टिसिटी इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड विल साउंडो इंक्रीज तो एक रब बैंड में स्पीड ऑफ साउंड इज मच मोर फास्टर कंपेयर टू कोई भी प्लास्टिक या मेटल ठीक है अब चलो हम लोग वापस से उसी डायग्राम पे आते हैं चलो हम लोग उसी डायग्राम पे आ जाते हैं जो शुरू में हम लोग किए थे हवा का एयर मॉलिक्यूल्स के डायग्राम में तो यहां पर क्या है देखो जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें साउंड ट्रैवल कैसे कर रहा है ठीक है तो ये जो साउंड है वो तुम्हारा जा रहा है लॉन्गिट्यूड ठीक है इस तरफ जा रहा है तो जब इस डायरेक्शन में जा रहा है साउंड तो क्या करता है साउंड कभी कभी ये जो वाइब्रेशन की वजह से कुछ कुछ जगह में ठीक है थोड़ा सा एयर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है और कुछ कुछ जगह में एयर मॉलिक्यूल्स का जो बीच का गैप है वो घट जाता है ठीक है तो ये जो बढ़ जाता है जहां पर जगह या फिर जहां पर थोड़ा सा जगह मिल जा रहा है हम लोग को वो उसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन ठीक है रेयर फ्रैक्शन और जहां हम लोग घट जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्सनट्रेशन तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया है मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ गए हैं और रेयर फ्रैक्शन एरिया में एयर मॉलिक्यूल्स थोड़े से सेपरेट हो गए बस ये याद रखना अब साउंड वेव ऐसे ही ट्रैवल करता है जब वेव्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा है तुम्हारा हवा के मॉलिक्यूल्स जो ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं ठीक है आगे पीछे इस मूवमेंट की वजह से तुम्हारा वहाँ पर थोड़ा सा रेयर फ्रैक्शन और कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह बन जा रहा है चलो जानते हैं हम लोग वाट इज एक्ो एक्ो यानी कभी कभी होता है ना कि पूरा खाली रूम है बड़ा रूम है और तुम एक जगह से चिल्ला रहे हो फिर तुम्हारा साउंड आवाज़ फिर से गूंज के आता है क्यों सुनाई देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एको कभी कभी पहाड़ों में जाओ वहां जाके तुम पागलों की तरह चिल्लाओ जो ऑब्वियसली हर कोई करता है तो तुमको फिर वहां पर सुनाई देगा क्या एको यानी तुम्हारा आवाज़ जो है वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है सो व्हाट इज एन एक्ो एक्को इज बेसिकली द रिफ्लेक्टेड साउंड ठीक है एको इज बेसिकली द रिफ्लेक्टेड साउंड जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है जो तुमको सुनाई दे रहा है फिर से उसको हम लोग बोलते हैं एको अब एको तभी सुनाई देता है सो मिनिमम डिस्टेंस होता है एको का सो मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको इज 17 मीटर अगर 17 मीटर से कम हो गया तो एको सुनाई नहीं देगा सेवनटीन मीटर से ज्यादा हो गया तब भी सुनाई दे सकता है लेकिन अगर कम हो गया तो एको नहीं सुनाई देता है एग्जाम्पल ट्राई करके देख लो कि दीवार के सामने जाकर खड़े हो जाओ सत्रह मीटर मतलब समझ रहे हो अच्छा खासा दूर होता है सामने जाके खड़े हो जाओ और चिल्ला क्या तुमको आवाज़ सुनाई दे रहा है एक्चुअली में क्या होता है क्या है मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रहा है ठीक है आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है तुम्हारे पास लेकिन वो इतना तेज़ आ जा रहा है कि तुम्हारा ब्रेन समझ नहीं पा रहा कि वो दूसरा साउंड है ठीक है तो जैसे बता रहा हूँ तुम्हारा अगर सत्रह मीटर का दूरी होता है तो सत्रह मीटर साउंड को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में क्या होता है जब तुम आवाज़ किए हेलो वाला आवाज़ जैसे मैंने चिल्लाया हेलो ऐसा करके मैंने चिल्लाया और सत्रह मीटर दूर एक तो कोई वॉल है तो मैंने जैसे ही ये हेलो वर्ड कहा मेरे दिमाग ने पकड़ लिया क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को सुनाई दे रहा है तो मेरे दिमाग ने उस चीज़ को पकड़ लिया कि मैंने हेलो कहा अब क्या होता है दिमाग ने वो चीज़ जैसे ही मतलब पकड़ा कि वो मैंने कहा वो कान में गया और दिमाग में बैठा कि हाँ एक को ये मैंने कहा जो टाइम लगा ना ये टाइम बहुत ही कम टाइम होता है लेकिन इतना टाइम में हम लोग का दिमाग समझ जाता है और ये टाइम इतना टाइम में सत्रह मीटर का अगर कोई डिस्टेंस है या फिर उससे दूर है तो क्या होता है तुम जो साउंड बोले वो रिफ्लेक्ट होकर जब तक आएगा वापस तब तक तुम्हारा दिमाग ये जो पहला वाला साउंड था जो तुमने कहा था वो ऑलरेडी कम्युनिक मतलब कंप्यूट कर चुका होता है समझ चुका होता है तो इसीलिए जब दूसरा बार साउंड फिर से सुनाई देता है मतलब फिर से तुम्हारे कान में आता है तो तुम्हारा दिमाग प्रोसेस कर पाता है कि हाँ और एक साउंड सुनाई दिया लेकिन जब तुम सामने हो गए कोई चीज ऐसे चिल्ला रहे हो तो वो नहीं समझ में आता तुम्हारे दिमाग को समझ गए अब मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग को बताते बताते ठीक है चलो चलो अभी तुम लोगों को स्पीड ऑफ साउंड मालूम है थ्री हंड्रेड थर्टी मीटर पर सेकेंड चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग ठीक है हम लोग का एक समझो एक लड़का था उसका नाम था रोहन ठीक है रोहन जो है इस पहाड़ में खड़ा है ठीक है और इस पहाड़ से इस पहाड़ का दूरी है तुम्हारा 200 मीटर ठीक है तो रोहन यहाँ पर खड़ा हो गया चिल्ला रहा है ठीक है चिल्ला रहा है मैं पास हो गया एग्ज़ाम में ठीक है मत चिल्ला रहा है पास हो गया एग्जाम में रोहन पहली बार जिंदगी में पास हो गया तो एग्जाम में पास हो गया रोहन चिल्ला रहा है इस दूरी से इस पहाड़ से उस पहाड़ तक पहाड़ ये समझ लो ये है पहाड़ हम लोग का ए पोजिशन ये है बी पोजिशन ठीक है तो रोहन इस पहाड़ से उस पहाड़ तक चिल्लाया अब इसका आवाज़ यहाँ से जाएगा यहाँ तक

अब क्वेश्चन बनाते हैं चलो हाँ रोहन चिल्लाया वहां पर गया और यहां तक आया 200 टू हंड्रेड मीटर है 330 मीटर पर सेकेंड यह स्पीड है साउंड का क्वेश्चन ये है कि जब स्पीड ये है साउंड का स्पीड तो और ये डिस्टेंस दो सौ मीटर का है तो मुझे एक चीज बताओ रोहन को यहां से यहां जब बोला और फिर वापस जो आवाज सुना दिया यानी एक वो कितना देर बाद सुनाई देगा तो बोला गया कैलकुलेट द टाइम टाइम को कैलकुलेट बोला गया है वन ही विलो अब देखो ध्यान से यहां पर मैंने क्या कहा ये इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलत करते हैं यहां पर मैंने कहा ये है पोजिशन है पोजिशन भी कैलकुलेट करो एक् कितना टाइम लगा अब देखो ये यह आवाज़ यहां से यहां तक जाएगा फिर रिफ्लेक्ट होगा फिर यहां से यहां तक आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है टोटल डिस्टेंस हाँ टोटल डिस्टेंस तुम्हारा हो रहा है यहां पर 200 हंड्रेड इंटू टू दो बार हो रहा है ना आवाज एक बार गया फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, आया तो 200 हंड्रेड इंटू टू मतलब 400 मीटर ये हो रहा है टोटल डिस्टेंस तो 400 मीटर ये टोटल डिस्टेंस है अब क्या करेंगे बहुत लोग मीटर ही ले लेंगे अब आंसर गलत आ जाएगा स्पीड दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है टाइम निकालना है फॉर्मूला क्या था एस इक्ल्स टू डी बाई टी ये फार्मूला है तो डिस्टेंस दिया स्पीड दिया टाइम निकालना है तो चलो इसको फार्मूला को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं टाइम को ऊपर लेके जाओ टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड यही होगा तो मेरे पास डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस है टू हंड्रेड इंटू टू फोर हंड्रेड मीटर फोर हंड्रेड मीटर और स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड 330 मीटर पर सेकंड अब एक चीज़ ध्यान रखना अगर ये 400 मीटर मीटर मैंने किलोमीटर में दिया हुआ है तो उसको तुम मीटर में चेंज कर दो या तो तुम इसको किलोमीटर में चेंज कर दो डिस्टेंस को या फिर अगर सोचो साउंड है वो मीटर पर सेकंड में मालूम है तुमको उसको चेंज कर दो किलोमीटर में तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस कोई मीटर में किलोमीटर में है अगर मीटर में चेंज करना तो वो ईजी होगा ना कि

अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से कैलकुलेट करो ठीक है तो फोर्टी थर्टी थ्री लो कितना होगा वन थर्टी थ्री सेवन ज़ीरो पॉइंट दे दो ऑब्वियसली सेवन ज़ीरो ऐसे थोड़ी आए पॉइंट दे तभी आए फिर टू करो तो हो जाएगा सिक्सटी सिक्स फिर यहाँ पर तुम दे दो फोर फिर ज़ीरो मतलब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है टू सेवन टू सेवन टू सेवन कंटिन्यूस चला जाएगा तो, तो एक ही बार लिखो वन पॉइंट टू सेवन सेकेंड अब समझे तो मतलब रोशन को दो दो बार सुनना कि वो पास हो गया है एक बार तू तो खुद बोला दूसरी बार जब वो सुनेगा तो वो कब सुनेगा 1.27 सेकंड के बाद सुनेगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनेंगे दीज आर द क्वेश्चन के क्वेश्चन ये वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े से मतलब इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरमीडिएट से ऊपर है सबसे टफेस्ट क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं इसको टफ क्वेश्चन और भी है तुम लोग के बुक में दिए हुए क्वेश्चन करो ओके डू देम इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम गो टू माई इंस्टाग्राम अकाउंट गो टू माई फेसबुक अकाउंट गो टू माई ट्विटर हैंडल और अगर वहाँ पर नहीं जा सकते तुम लोग का इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक कुछ नहीं है यूट्यूब है ना यहाँ पर कॉमेंट करो लेट मी नो योर प्रॉब्लम टेल मी कि तुम लोग का कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है अगर चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर भी वीडियोज़ बने तो बताओ उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊंगा और एक बात डो नॉट फर्गेट टू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर हैंडल क्यों क्योंकि बेसिकली वहाँ पर वहाँ पर बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब कुछ देखने मिलता है और कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो करो और ऑब्वियसली थोड़ा मुझे बारे में ऑब्वियसली थोड़ा मेरे ज़िंदगी के बारे में भी तुम लोग को जानने का मौका मिल जाएगा और और एक बात ये जो मेरा चैनल है ये मतलब मैं फ्री में चला रहा हूँ तुम लोग को जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ फ्री में कर रहा हूँ तो अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका क्वालिटी बना रहे ये ऐसे ही कंटिन्यू होते रहे तो तुम लोग मुझे पेट्रियन या फिर बाई मी या कॉफी वेबसाइट में जाकर भी सपोर्ट कर सकते हो आर ओ सी एफ टी इंस्टीट्यूट का अपना खुद का ट्विटर हैंडल फेसबुक अकाउंट फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट है तो अगर तुम लोग मुझे फॉलो करो तो अच्छा है लेकिन आर ओ सी एफ टी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वहाँ पर तुम लोग का हर एक तरह का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो लिंक्स तो सब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और और एक बात अगर तुमने इससे पहले का वीडियोज़ यानी एनर्जी का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लेना क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ठीक है तभी तुमको समझ में आएगा कि साउंड लाइट ये सब चीज क्या है और अगर मैंने कोई भी टॉपिक मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में वो चीज बोलना मत भूलना ठीक है तुम लोग के रिक्वेस्ट पे आज पहली बार हिंदी में वीडियो बनाया है। और हाँ जरूर बोलो कि यह वीडियो कैसा लगा हिंदी में बनाया हूं? बहुत दिन बाद बनाया तो कैसा लगा सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलना नहीं तो वीडियो मिस हो जाएंगे यार अच्छा नहीं जाएगा